से लेकर पाकिस्तान तक इन दिनों सिर्फ और सिर्फ दो ही महिलाएं चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये हैं सीमा हैदर और अंजू। जहां एक तरफ पाकिस्तान से सरहद पार करके अवैध रूप से भारत में एंट्री की है सीमा हैदर ने अपने चारों ही बच्चों के साथ, और आज वह सचिन मीणा के परिवार के साथ ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा इलाके में रह रही हैं। हालांकि सीमा हैदर को लेकर जांच अभी जारी है कि क्या वाकई में सीमा हैदर जासूस हैं या फिर नहीं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंच गई हैं अपने प्यार की ही खातिर। जी हां, आपको बता दें कि अंजू नसरुल्ला के साथ निकाह कर चुकी हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस और ऑडियो कॉल भी वायरल हो रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो अंजू को लेकर भी यही दावा किया जा रहा है कि अंजू भारत लौटेंगी या फिर नहीं, क्योंकि अंजू का कहना ये रहा है कि वह भारत वापस आएंगी अपने दोनों ही बच्चों के लिए। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है योगी सरकार से, मोदी सरकार से। जहाँ एक तरफ सीमा हैदर के पति ने गुहार लगाई कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, वहीं सीमा हैदर चाहती हैं कि उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। ऐसे में देखा जाए तो इस मामले पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है। उनसे दोनों ही मामलों को लेकर सवाल पूछे गए। आपको जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ उन्होंने सीमा हैदर को लेकर अपनी बात रखी कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं, उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर विचार किया जाएगा कि उन्हें वापस भेजा जाए या फिर नहीं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अंजू को लेकर भी सवाल किया गया। उनका कहना रहा कि फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर नजरें बनाई हुई हैं। ये दो देशों से जुड़ा मामला है, सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। तो अब देखा जाए यहां पर अंजू के मामले पर क्या कुछ अहम फैसला लिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, वहीं सीमा हैदर के मामले में भी ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने की बात भी सामने आई है अंजू को लेकर। पड़ोसी मुल्क में अंजू को ढेरों गिफ्ट मिल रहे हैं, अंजू की जिंदगी काफी बदलती हुई वहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सीमा हैदर यहां पर कुछ उतार चढ़ाव भी देख रही हैं। ऐसे में यहाँ पर देखना ये होगा कि आखिरकार यहाँ पर अंजू क्या वाकई में पाकिस्तान से भारत वापस लौटेंगी, वहीं सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अब देखा जाए तो कुछ लोगों ने पबजी के माध्यम से हुए प्यार को रिवर्स लव जिहाद का नाम दे दिया है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।